एक बात बताऊं, मोर धर के कौन आए थे काजल लगा करके रुक्मिणी से ब्याह करने के लिए? शिशुपाल, ठीक है। और जिनसे ब्याह करने आए थे उनका तो हरण हो गया, अब उसकी क्या स्थिति होगी? हैं, वो फ्यूज बल्ब की तरह, भीगे हुए चूहे की तरह, निचोड़े हुए आम की तरह, और वहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर अब देखा जो उनके बराती थे, बराती मालूम है कौन थे? जरासंध बराती थे, उनकी सेना भी थी। और वो बराती जितने थे सब आ करके जरासंध ने शिशुपाल को समझाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसका तो अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था कि क्या करें क्या ना करें, है ना। बात ये नहीं है कि ब्याह नहीं हुआ, बात ये है कि अपमान कितना होगा कि ब्याह करने गए, जिससे ब्याह करने गए वही ब्याह के एक दिन पहले ही भाग गई, है ना। बेचारे अकेले अकेले लौट के आ गए। शिशुपालं समभेत्य हृतदारामिवातुरं नष्टतुषं गतोत्साहं शुष्कबदनं अब्रुवन्। शिशुपाल के पास जरासंध समभेत्य पहुँच गए और कहने उनको देखा कैसे नष्ट तुषा, तुषा माने चेहरे की कांति नष्ट हो गई है, गतोत्साहम उत्साह सारा चला गया है। जिसका ब्याह होता, तुम्हारा ब्याह हो गया ना, हाँ, जिस समय ब्याह हुआ होगा उस समय का तो क्षण याद ही होगा। है साहब, कीमत सिंह फूले फूले फिर रहे होंगे, पीले पीले हल्दी लगे, क्यों उत्साह होता है भाई, सीधी सी बात है। ये कौन से रोज रोज ब्याह होते हैं भाई, जीवन में एक बार होता है, खुश होना कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जीवन में एक बार ब्याह होता है, खुश होना चाहिए। वो भी खुश था बहुत, और वो मुंह सूखा बेचारा, लार अंदर नहीं जा रही है, मुंह में लार बची नहीं है, और जा करके कहने लगे कि भो भो पुरुष शार्दूल। क्या कहा? भो भो पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह ईमानदारी से बताना, जिसकी पत्नी ब्याह के एक दिन पहले ही हरण हो गया हो, ठीक है, और वो बारात लेके भी आ चुका हो, तो सिंह की तरह हो गया, भीगे चूहे की तरह, लेकिन कह क्या रहे कि भो भो पुरुष शार्दूल। शार्दूल कहते हैं सिंह को, हे पुरुषों में सिंह, दौर्मनस्यमिदं त्यज, ये अपने मन के जो तुम्हारे दुर्मन माने जो तुम्हारे मन में खिन्नता आ गई है इसको त्याग दो। और न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहेषु दृश्यते, किसी भी व्यक्ति का प्रिय और अप्रिय ईश्वर के अधीन होता है, अपने अधीन नहीं होता है। इसलिए कुछ भी करो होता वही है जो परमात्मा ने लिख रखा है। अजब पुरुष सिंह क्यों कह रहे मालूम है? ताकि थोड़ा चार्ज हो जाए, हाँ, और ताकि ये ठीक ठाक घर तक पहुंच जाए, समझ रहे हो? हाँ, योजना होती है, जब कोई भी हो घर में अगर जो कोई ऐसी बात हो गई हो, दुर्घटना हो गई हो, तो उसको समझाते बुझाते हैं ना, ताकि इसके मन का कष्ट थोड़ा हल्का हो, समझा बुझा देते, वही काम कर रहे हैं। जैसे लोग व्यवहार में होता है, हे पुरुष सिंह, मन की खिन्नता को त्याग दो, क्योंकि जो कुछ प्रिय और अप्रिय होता है कभी भी वो मनुष्य के चाहने से नहीं होता, होकर के भगवान के भरोसे ही होता है। और आगे क्या सुंदर श्लोक आया है,
करे के यथा दारुमयी उषित नित्यते कुहके छया एवं ईश्वर तंत्रोयम ईयते सुख दुखयो। कहने लगे कि जिस प्रकार से दारुमयी योषित माने लकड़ी की स्त्री देखी है, कठपुतली लकड़ी की स्त्री होती है, उसके धागे खींचे जाते हैं तो वो कमर हिलाती है, हाथ हिलाती, गर्दन हिलाती, वो हिलाती कि नहीं। तो जिस प्रकार से कठपुतली के धागे खींचने से वो अपना नृत्य दिखाती है, लेकिन सच बताना कठपुतली जो नृत्य दिखा रही है वो क्या अपनी इच्छा से दिखा रही है, नचाने वाले की इच्छा से? और जो कि हमें वो दिख नहीं रहा है, सच है कि नहीं? क्योंकि एवं ईश्वर तंत्रोयम, इसी प्रकार से ईश्वर के आश्रित होकर के सभी लोग, ईश्वर के धागे से बंधे हुए सभी लोग, इहते सुख दुखयो, सभी लोग सुख और दुख को प्राप्त किया करते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है तो उसमें किसी का क्या कर सकते हैं, जब सब ईश्वर के ही अधीन होता है। इसी प्रकार से मुझे देख लो, शौर्य सप्तदशा हम वह संयुगानि पराजिता, मुझे देख लो, जरासंध कह रहे हैं, क्योंकि मुझे देखो 17 बार आक्रमण किया मैंने और उसमें पराजिता, उसमें मैं हार गया, लेकिन कहो कि मैंने कोई एफर्ट हल्का लगाया हो, कोशिश कमजोर की हो, तो ये भी नहीं। त्रयोविंशति भी सैन्य ही 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में गया था, और एक अक्षौहिणी सेना का तुम्हें गिनती पता है, एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है? एक अक्षौहिणी सेना में गिनती होती है 21,870 रथ, ठीक है, और 21,870 हाथी, अक्षौहिणी सेना की परिमाप, और 109,350 पैदल चलने वाले सैनिक, और 65,600 घुड़सवार सैनिक, इसको एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं, जो कि 218,690 टोटल सैनिक हो जाते हैं। इतनी बड़ी सेना को लेकर के मैं गया था, छोटा मोटा मैंने पराक्रम नहीं किया था। 218,960 सैनिक के अनुसार 23 अक्षौहिणी सेना लेके गया। अब जरा सोच लो कितनी सेना रही होगी एक बार में, लेकिन क्या करे, संयुगान इतने युद्धों में पराजिता, मैं हार गया। और जैसे तैसे सैन्य जिज्ञ एकम अहम परम, मैंने जैसे तैसे करके एक आखिरी युद्ध मैंने जीता था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, तथाप्य हम न सोचामि न प्रहर्ष्यामि करहिचित, फिर भी देखो मैं ना 17 बार हार जाने पर मैं सोच करता हूँ कि 17 बार हार गया, और ना एक बार जीत करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्यों, मैंने अपना प्रयास किया, सफलता मिली नहीं मिली वो उसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता, मैंने अपने जी जान से प्रयास किया, हार गया तो हार गया। और हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए, मैंने भी बहुत से कार्यक्रमों में यही सोचा महाराज, बहुत सी जगह कार्यक्रमों में अच्छे वाले खूब बढ़िया माहौल, और कार्यक्रम शुरू होने के ठीक एक दिन पहले या 12 घंटा पहले ऐसा कुछ हो गया जिससे कि मामला बिगड़ गया, मैंने अपनी कोशिश पूरी की, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अब उसमें प्रकृति के माध्यम से कुछ हो गया हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं उतने ही प्रसन्न रहा, कोई बात नहीं, रहना भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए सपोज डाइट,
हम रोने लग जाएं, अरे इतना किया ऐसा किया, और रोने लग जाएं, क्या भला होगा? केवल डिप्रेशन में मेरा ही दिमाग जाएगा ना। लेकिन जैसा भी है, पनीर की सब्जी मिल रही है, भगवान की कृपा नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मिलेगी कभी ना कभी, क्या दिक्कत है? क्योंकि एक बात और बता दें, जीवन में कभी भी कोई चीज एक जैसी चलती ही नहीं है, ठीक है? हमेशा चढ़ा उतार, कम ज्यादा होती ही रहती है, संसार का यही नियम है। दुनिया की बात छोड़ो, इतने बड़े बड़े ग्रह होते हैं, शनि ग्रह होते कि नहीं, और चलते रहते, लेकिन कभी कभी ये वक्री होके उल्टे हो जाते हैं, इनकी भी गति आगे पीछे हो जाती है, तो हमारी और आपकी क्या औकात है? कभी 10,000 रुपये पर डे की कमाई है, कभी 100 रुपये की पर डे की कमाई है, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखे कि मन में डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ मोटिवेशन किया है शिशुपाल का, बहुत अच्छा किया, और ये बात हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। देखो कुछ भी कर लो, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो, यदि असफल हो रहे हो तो ये जान लीजिए कि जिस समय सफलता मिलेगी बहुत बड़ा तुम्हारा कुछ होगा, ठीक है? और अगर जो नहीं मिल रही है तो लगे रहो, हारो मत। एक बल्ब बनाया था अंग्रेज ने, नाम था एडिशन, उसने 10,000 प्रैक्टिकल किए और फेल हो गया। 10,000 के बाद जा कर के बल्ब बना था, और कम से कम 10 साल लगा रहा। तो उससे पूछा गया कि बताओ तुमने अभी तक क्या सीखा, 10,000 प्रैक्टिकल में तुम फेल हो गए, इस पर क्या विचार है? कि कौन कह रहा मैं फेल हो गया, मैं फेल नहीं हुआ। क्योंकि क्यों? अरे हमें ये पता लग गया कि इस फॉर्मूले से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, फिर मैं क्यों हुआ? और जब मिल गया तो इस फॉर्मूले से बल्ब बनाया जा सकता है, बस हो गया। इन्वेंशन तो हर प्रकार से होती है कि इससे ये काम नहीं होता है, तो बहुत सी जगह ज्यादातर निषेध भी लिखा होता है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं, तो निषेध की भी तो कीमत है। अधर्म नहीं करना चाहिए तो नहीं का मतलब बिल्कुल निषेध कर दिया, तो अधर्म नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब जिसने किया है तो भुगत चुका है। तो ये चीजें हैं, तो नहीं का भी बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखो, आवश्यक नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो हर कार्य हो जाए। मैंने 17 बार हार गया, 18वीं बार जैसे तैसे जीता, लेकिन फिर भी मैं ना तो 17 बार के सोच करके मैं दुखी होता हूँ, और ना एक बार जीतने के बाद मैं प्रसन्न होता हूँ। ये तो हमारा समय था, इसी प्रकार से। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, अरे कह कि मनुष्य का सोचा होता ही कहाँ है, बहुत से कहते ना। आपको क्या बताएं, मैं एक ऐसा जीवन में उदाहरण हूँ कि मेरा सोचा हुआ 95% हो गया, समझ गए? और ऐसा हुआ जैसे कि मैंने कल्पना नहीं की थी, समझ रहे हो? मेरा विचार था, जब कथा सीखने आया था ना, तब मेरा विचार ऐसा था जैसे सब लोग करते हैं, बस सुना दिया ये वो, और बाद में एक ऐसा क्षण भर का इंसिडेंट मेरे जीवन में हुआ। आदरणीय गुरुदेव श्री रामकृपाल त्रिपाठी जी, वे कथा कर रहे थे, तब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानता था, ये हैं कौन कौन नहीं है, लेकिन उनकी कथा जिस समय सुनी मैंने, तब मैंने सोचा कि जो मार्ग मैंने पकड़ लिया वो तो उल्टा जा रहा है। उसी दिन से कैंसिल कर दिया, लगातार पढ़ाई की, भूखे प्यासे रह के, पैसे के अभाव में, और लगातार काम किया, उसका आज फल मिल रहा है। मुझे इतना बढ़िया भी फल मिलेगा ये आशा नहीं थी, पर मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला। बस शर्त एक होती है, ध्यान रखो, हर व्यक्ति के 95%
इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बस शर्त एक है। क्या? किसी का अपनी इच्छा की पूर्ति करने के चक्कर में किसी का अहित करने की योजना मत बनाओ। हाँ, कि तुम्हें नदी पार करनी है तो दूसरा डूब रहा था उसके खोपड़ी पर पैर रख के उछल के निकल जाओ। ना 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 ना, ना। दूसरे के सिर पर पैर रख के यदि निकल जाओगे तो ध्यान रखो, तुम्हें भी मंजिल नहीं मिलेगी। अब अगर जो तुमने देखा कोई डूब रहा उसको भी पकड़ के आगे निकालने के चक्कर में रह जाओगे तो ध्यान रखो, तुम तो पार लगोगे ही और उसको बचाने के पुण्य से तुम्हें जो सफलता साल भर में मिलनी चाहिए थी वो 2 महीने में मिल जाएगी। बस किसी का अपमान मत करो, समझ गए? अपमान मत करो, किसी का अहित मत सोचो, किसी के बिगाड़ के अपना भला मत बना करने की सोचो। तुम्हें जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति ना हो जाए। अच्छा, होती किसके नहीं है? तो यहाँ पर एक आई रामचरितमानस की चौपाई, कई विफल हो ही रावण सर कैसे। रावण के शर्मा ने बाण विफल कैसे हो रहे हैं? कहेंगे खल के सकल मनोरथ जैसे, दुष्ट व्यक्ति के जैसे संपूर्ण मनोरथ धरे के धरे रह जाते हैं, इसी प्रकार से रावण के बाण निष्फल हो रहे थे। तो नीचे वाले पंक्ति का मतलब क्या है? यदि दुष्टता पूर्वक तुम्हारा विचार कोई संकल्प कर रखे हो कभी पूरा नहीं होगा, और यदि हो गया तो तुम्हारे परिवार को ले डूबेगा। और अगर जो तुमने सज्जनता और धर्म के आश्रित होकर के और तुमने अगर जो अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ रहे हो तो पहली बात तो तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, दूसरी बात परमात्मा की तरफ से सपोर्ट तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, समझ गए? तब जाके सारे के सारे मनोरथ पूर्ण होते। और यहाँ पर मालूम है ये असफलता क्यों हुई है? यहाँ पर रुक्मी जो था ना, वो इतना अभिमानी था, इतना घमंडी था कि वो चाहता था कि जैसा हम चाहेंगे वही वही होगा, किसकी औकात जो हमारे काम में कोई टांग अड़ा सके। आपको बता दें कितना घमंडी था। महाभारत में एक कथा आई, दुर्योधन से जाके मिला, कहने लगा सुनो, अगर जो तुम मेरा सहारा लो तो एक दिन में युद्ध जिता सकते हैं। अच्छा, लेकिन शर्त यह है राज हमें आधा चाहिए। दुर्योधन था मनस्वी, उसने भगा दिया कि चल भग यहां से, हमारे राज में आए हो तो तुम बच गए, नहीं तो कहीं और होते तो तुम्हें अभी तुम्हें ठीक कर देते, लेकिन घर में आए हो इसलिए तुम बच गए, भागो यहाँ से, भगा दिया। युधिष्ठिर के पास आए, अरे कि तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ हो जाए और एक दिन में युद्ध जिता दें। जहाँ पर औसत यही है कि आधा राज हमें चाहिए, इतना घमंडी था कि उसे ये सोचता था कि हम जहाँ पहुँच गए वहाँ पर हमारी विजय निश्चित होगी और जिसके पक्ष में हम लड़ गए एक दिन में युद्ध समाप्त कर। माने ऐसा अभिमान का प्रेत चढ़ा कि पूरे विधि के विधान को ही अपने ऊपर ले लिया कि जो मैं चाहूँ वही विधि का विधान है। तो वहाँ से भगा दिए गए अर्जुन ने कहा सीधे निकल लो, बहुत अच्छे रहोगे। तब से ये भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडव और कौरव सबसे ये विरोध करने लगा था। तब से भगवान कृष्ण से चिढ़ हो गई थी और चिढ़ होने से क्या है कि इनका मित्र था जिसका नाम था शिशुपाल, शिशुपाल भी कृष्ण से चिढ़ता था। तो शत्रु का जो शत्रु होता है वो अपना मित्र होता है, सिस्टम ये होता है, ये नियम होता है, समझ पाए कि नहीं? हमारा जो शत्रु है उसका भी जो वो शत्रु हो, माने जिससे शत्रुता हम रखते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो भी उससे शत्रुता रखता है तो हमारा वो मित्र हो गया, समझ गए? इसी सिस्टम से उससे ब्याह करना चाह रहा था।
और घमंड ये था जो हम चाहेंगे वो करेंगे। सच में घर में ऐसे ही चल रहा था, किसी की पिता की हिम्मत नहीं, जबकि इच्छा सबकी, चार भाई माता पिता सबकी इच्छा थी कि कृष्ण से ब्याह हो, लेकिन कह दिया नहीं हम अपने मित्र से करेंगे, किसी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। और एक बात और बता दें, जहां पर अभिमान होता है ना, तो वो ऐसी जगह व्यक्ति डूबता है कि चारों तरफ तिनके का भी सहारा नहीं मिलता है, ध्यान रखो। हाँ, भगवान ने जिस समय उठा लिया तो इनको ऐसे ही हुआ, तो यहाँ पर अभी तो इनका प्रसंग चल रहा, उनका जब आगे आएगा तो बताएंगे। और फिर इसके बाद कहने लगे, अधुना पि वयम सर्वे वीर यूथ पवयूथ पा पराजिता फल्गु सैन्यस्य यद्वि कृष्ण पालते। कहने लगे कि देखो आज भी, अधुना पि, आज भी हम भले ही कितने भी सूरवीर पराक्रमी हों, लेकिन उनसे अभी भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि पराजिता फल्गु तंत्रैर्यद्भि कृष्ण पालते। थोड़ी सी सेना लेकर के आए यदु लोग, उन्होंने हमें जीत लिया, इसलिए अभी भी उनसे ना लड़ो, क्योंकि तुम्हें कैसी ना कैसी काली पीली लंगड़ी लूली मिल जाएगी तो तुम ब्याह कर लेना, लेकिन अभी युद्ध के लिए तैयार मत हो, तुम्हारा तो ब्याह कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। होगा जो लड़ गए तो हो सकता है कि का तुम ब्याह करने लायक भी ना बचो, राधे राधे हो जाओ, इसलिए हमारी मानो तो अभी मत लड़ो, क्योंकि रिपो जिज्ञु रथुना काल आत्मनानुसारण, शत्रु हमें जीत लेता है क्योंकि उनके काल जो है ना, समय उनके अनुसार, माने उनका समय उनके अनुकूल है ना। लेकिन चिंता मत करो, तदा वयम विजयिष्यामो, हम भी उस समय जीत जाएंगे, क्योंकि कब कई यदा कालः प्रदक्षिणः, जिस समय हमारे समय अनुकूल हो जाएगा तो हम भी जीत जाएंगे, चिंता मत करो, पर जीत लेंगे। इस प्रकार से परेशान मत हो, तुम जाओ अपने घर, अपने घर में जा करके वहीं पर, तो वहीं पर जा करके तुम अपना और कोई जुगाड़ बैठा लेना, लेकिन अभी लड़ने की योजना मत बनाना। तो कहने का मतलब ये है, तो उन्होंने जब मना कर दिया, तो मना करके कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इस प्रकार से जब समझा बुझा दिया, अच्छा ठीक है माता हो विराजमान हो धन्यवाद, तो यहाँ पर जैसे तैसे रुक्मी को, उसको शिशुपाल को जरासंध ने विदा कर दिया। और यहाँ पर रुक्मी की क्या हालचाल है वो आगे सुन लो। लिखा है कि रुक्मी तो राक्षसो द्वाहम कृष्ण विदसं स्वसु, क्योंकि रुक्मी ने देखा कि राक्षस उद्वाहम, राक्षस विधि से ये ब्याह हुआ जा रहा है। राक्षस विधि का मतलब क्या है, कल क्या बताया था, भगा के जो ब्याह हो रहा है। हाँ, तो इसको देख करके, क्योंकि भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला है, तो अपनी बहन के लिए उसने लेकर के अक्षौहिणी सेना को और भगवान कृष्ण के पीछे लड़ने के लिए तैयार हुआ, और एक संकल्प कर दिया, कही कि हत्वा समरे कृष्णम, बिना कृष्ण को मारे अप्रोत्यो है च रुक्मिणी, बिना रुक्मिणी को वापस लाए कुंडिनम।